उद्धव ठाकरे की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। एक मुसीबत से छुटकारा पाते हैं तो दूसरी सामने खड़ी हो जाती है। सुशांत सिंह राजपूत मामले में घिरे उद्धव ठाकरे के सामने अब मराठा आरक्षण की नई परेशानी खड़ी हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने मराठा आरक्षण पर रोक क्या लगाई, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की मुसीबत बढ़ गई। दरअसल मराठा समुदाय के लोगों ने महाराष्ट्र सरकार को चेतावनी दे दी है। मराठा समुदाय के लोगों ने एक बैठक करके करीब 15 मांग सरकार के सामने रखी है। इसके साथ ही 10 अक्टूबर को महाराष्ट्र बंद की घोषणा भी कर दी है। इसे लेकर उद्धव ठाकरे काफी परेशान हो गए हैं। मराठा समुदाय के लोगों को खुश करने के लिए उन्होंने करीब 1200 करोड़ की योजनाओं की घोषणा कर दी थी, लेकिन इससे मराठा समुदाय खुश नहीं है। उनकी मांग आरक्षण को लेकर है। दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे के पास सुप्रीम कोर्ट के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं दिखाई पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की ओर से पुनर्विचार याचिका दायर भी कर दी है, लेकिन उसका फैसला आने में वक्त लगेगा। इस बीच कांग्रेस और एनसीपी ने भी ठाकरे के ऊपर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। कांग्रेस और एनसीपी के नेता मराठा आरक्षण को लेकर दो गुटों में बटे हुए हैं। एक गुट का मानना है कि जिस तरीके से आरक्षण लागू किया गया था उसी के बहाल किया जाए, लेकिन दूसरे गुट इस तरीके से खिलाफ हैं। कांग्रेस के कुछ ओबीसी नेताओं ने तो सरकार को धमकी भी दे दी है। इनका मानना है कि मराठा समुदाय को नौकरी और शिक्षा में आरक्षण तो मिले, लेकिन आरक्षण का तरीका कुछ अलग होना चाहिए। मराठाओं को आरक्षण ओबीसी कोटे से नहीं मिलना चाहिए। दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण की सीमा तय कर दी है, जिससे दूसरा विकल्प का रास्ता लगभग खत्म हो गया है। ऐसे में उद्धव ठाकरे अब किसी भी तरीके से कुछ समय के लिए मराठा समुदाय के लोगों को आंदोलन करने से रोकने में लगे हैं। अगर ये आंदोलन तेज होता है तो भाजपा को फायदा होगा। भारतीय जनता पार्टी पहले से ही मराठा आरक्षण को लेकर महाराष्ट्र सरकार पर आरोप लगा रही है। भाजपा का कहना है कि महाराष्ट्र सरकार ने मराठा आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सही पक्ष नहीं रखा है, इसके कारण सुप्रीम कोर्ट ने मराठा आरक्षण पर रोक लगा दी है। अब ठाकरे के सामने अपनी सहयोगी पार्टी को समझाने और भाजपा को जवाब देने की चुनौती खड़ी हो गई है। उन्हें एक साथ दो तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार भी ठाकरे की परेशानी को बढ़ा रहे हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस भी शिवसेना के रवैये से नाराज है। कांग्रेस ने तो कृषि विधेयक को लेकर भी शिवसेना की आज आलोचना कर दी है। अब शिवसेना बुरी तरह से फंस गई है, जिससे निकलने के लिए उद्धव ठाकरे छटपटा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।